पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह को उम्मीद है कि टीम आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया के स्वर्णिम अभियान को रोकने में सफल रहेगी। हॉकी 1998 में राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा बना और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इसके बाद पुरुषों की प्रतियोगिता में सभी 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। 26 साल के हरमनप्रीत सिंह ने शुक्रवार को भरोसा जताया कि उनकी टीम बर्मिंघम में पासा पलटने में सफल रहेगी। उन्होंने कहा, टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, हमें FIH हॉकी प्रो लीग में भी अच्छा खेला और इसलिए टीम में आत्मविश्वास की भी कमी नहीं है। हम मैच जीतते रहना चाहेंगे। हम निश्चित रूप से आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण जीतने के लिए अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम अभ्यास सत्र के दौरान अपने खेल में कुछ निश्चित पहलुओं पर काम कर रहे हैं। हमारा ध्यान FIH हॉकी प्रो लीग में हुई गलतियों से सीखने पर है। इस ड्रैग फ्लिकर ने कहा कि गेंद को गोल पोस्ट के पास ले जाकर उसे सफलतापूर्वक गोल में बदलना और रक्षा पंक्ति की खामी भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन भारतीय टीम इन दोनों पहलुओं पर लगातार काम कर रही है। खिलाड़ी ने कहा, हम लगातार अभ्यास मैच खेल रहे हैं, मुख्य टीम कैंप में शामिल अन्य खिलाड़ियों की टीम के खिलाफ खेल रही हैं। इन अभ्यास से हमें मैदान में आपसी समन्वय सुधारने में मदद मिली है। इनसे हमें अपनी रणनीतियों को परखने का भी मौका मिल रहा है। आपको अपनी टीम पर कितना भरोसा है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।